हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही सुंदर सा बैग बनाएंगे, बिल्कुल नए डिज़ाइन का। इसके लिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। कपड़े की लंबाई लगभग 32 इंच है और इसकी चौड़ाई 16 इंच है। इसे हमें क्विल्ट करना है कपड़े को। सबसे पहले मैंने एक पुराना कपड़ा लिया है, पुरानी कुर्ती से मैंने ये पीस कट किया है। अब इसके ऊपर मैं फ़ोम रखूँगी। अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप उकड़म का यूज कर सकते हैं या चावल या आटे की पुरानी बोरी का यूज कर सकते हैं। अब ऊपर हमें मेन फैब्रिक को बिछा लेना है और तीनों को एक साथ स्टिच करके इसे क्विल्ट कर लेना है। तो इसके ऊपर लंबाई में सिलाई चला लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे क्विल्ट कर लिया है। अब इसमें हमें पॉकेट बनाना है, तो 4 इंच की दूरी पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसे कट कर लेंगे और इसमें ज़िप लगाएंगे। यहाँ पर पहले हमें इसे कट करने के पहले स्ट्रेप लगा लेना था, जो मैं लगाना भूल गई हूँ, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पर हमें ज़िप लगाना है, तो ज़िप को बीच में रखेंगे और दोनों साइड से इसे स्टिच कर लेंगे और किनारे किनारे हमें टॉप स्टिच भी चला लेना है। अब इसमें अंदर एक पॉकेट लगाना है, पॉकेट के लिए कपड़ा लगाना है। तो कपड़े की ऊंचाई मैंने 13 इंच ली है और इसकी चौड़ाई लगभग 17 इंच है। इसे नीचे रखेंगे और थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। अब चारों साइड से इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, पॉकेट बन गई है। ये हमारी बड़ी सी पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। ये पूरा बैग हम एक पीस में ही बनाएंगे, तो आगे और पीछे का पीस यही है। इसे किनारे से हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है, चारों कॉर्नर से इसे हल्की सी गोलाई दे देनी है। तो किसी भी गोल चीज़ से निशान लगाकर कट कर लेंगे। अब इसमें हम मेन जो पॉकेट है उसके लिए ज़िप लगाएंगे। तो ज़िप आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मेरे पास अभी 25 इंच की ज़िप थी, आप इसमें 28 इंच की भी ज़िप लगा सकते हैं। और एक स्क्वायर क्विल्टेड पीस मैंने लिया है, जो 8.5 इंच लंबा और 8.5 इंच चौड़ा है। पीस से इसे मैंने कट कर लिया है, दो पीस हो गए हैं दोनों साइड के लिए। अब इसे भी बीच से कट कर लेंगे और इस तरह से हमें रखकर इसे स्टिच करना है कि चौड़ा वाला भाग नीचे की तरफ रहेगा और जो नुकीला भाग है वो ऊपर की तरफ रहेगा। इस तरह से हमें इसे स्टिच करना है दोनों साइड। अब साइड से इसे हम इसकी चौड़ाई कम कर लेंगे, थोड़ा सा इसे हम ट्रिम कर लेंगे। इसमें मैंने रनर डाल लिया है, दो रनर मैंने डाले हैं। अब बैग में इसे हमें लगाना है, तो सबसे पहले सेंटर पर हल्का सा कट कर लेंगे, दूसरे साइड भी सेंटर पर हल्का सा कट कर लेंगे और ज़िप के सेंटर पर भी हमें कट लगा लेना है। दोनों साइड हल्का हल्का सा कट लगा लेंगे। अब देखिए, सेंटर पर रखकर, जो बैक का सेंटर है वहाँ रखकर सिलाई कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पिन लगा लीजिए और यहाँ तक बराबर करते हुए दोनों साइड हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं स्ट्रैप लगाना भूल गई थी। जो हम पॉकेट बनाएंगे उसके पहले ही हमें स्ट्रैप लगा लेना था। तो ये बैग की स्ट्रैप मैंने तैयार की है 4 इंच चौड़े कपड़े से। इसकी लंबाई लगभग 22 इंच है। कपड़े को दोनों साइड से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे तो इस तरह के स्ट्रैप बन जाएंगे, जो मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है। और यहाँ पर इसे बराबर दूरी पर रखते हुए 4-5 बार अच्छी तरह से इस पर सिलाई लगा कर इसे हम लगा लेंगे। तो स्ट्रैप लग गए हैं। अब इसके साइड पार्ट भी हमें लगाने हैं। तो साइड पार्ट की चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई लगभग 8.5 या 9 इंच आप इसकी ले सकते हैं।
ये लगभग 9 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और इसकी चौड़ाई 5 इंच है। अब यहाँ रखकर इसे स्टिच कर लेंगे। अब पूरी लंबाई में हम इसे स्टिच करेंगे, नीचे तक स्टिच करेंगे, दूसरे साइड भी लंबाई में इसे स्टिच कर लेंगे। अब बैक का जो दूसरा साइड है वहाँ पर जहाँ पर हमने सेंटर कट किया था उसे जिप के सेंटर से मैच करना है और अच्छी तरह से इसे मैच करते हुए हमें स्टिच करना है। तो पहले आप चाहे तो सुविधा कैसे कच्चा कर लीजिए या फिर पिन लगाकर सेट कर लीजिए, उसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब नीचे का जो बेस है उसे स्टिच करना है, तो दोनों को मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। जो खुली हुई सिलाई है उसके ऊपर आप कपड़े की पाइपिंग लगा सकते हैं। तो देखिए हमारा बैग तैयार हो गया, बेस की सिलाई हो गई है। इसका बेस लगभग 5 इंच चौड़ा है। बैग को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा कितना सुंदर सा ये बैग बनकर तैयार है। बस इसमें हमने जहाँ अभी जिप लगाई है उसके ऊपर किनारे किनारे हमें टॉप स्टिच लगा लेना है और बैग बिल्कुल यूज़ करने के लिए रेडी है। बहुत ही सुंदर सा ये बैग है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।